नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार। मैं हूं आपके साथ सौम्या। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उम्र की पहचान के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया। आइए आपको इसके बारे में सारी जानकारी दें। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र में दिए गए जन्म तिथि से उम्र की पहचान होनी चाहिए। जजों की बेंच ने बताया कि UIDAI ने एक परिपत्र के जरिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बताया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है, अगर आधार कार्ड जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है। चलिए आपको इस सुनवाई के पीछे का पूरा मामला बताते हैं। 2015 में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसके बाद उसके परिजनों ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। MSCT रोहतक ने 19.35 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इस मुआवजे को घटाकर 9.23 लाख रुपए कर दिया था क्योंकि हाई कोर्ट के अनुसार MSCT ने मुआवजे का निर्धारण करते समय आयु गुणक को गलत तरीके से लागू किया था। जब उम्र के पहचान की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया और मोटर दुर्घटना में MSCT के फैसले को बरकरार रखा जिसने मृतक के उम्र की पहचान उसके स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर की थी। परिजनों ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने आधार कार्ड से मृतक की आयु की पहचान में गलती की है क्योंकि अगर स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र से उम्र का पता लगाया जाता तो मृत्यु के समय उसकी उम्र 45 साल थी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें रफ्तार।